नमस्कार दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में जैसा कि दोस्तों अभी जो डी एड स्पेशल एजुकेशन आई डी डी के एग्ज़ाम हुए थे फर्स्ट ईयर के बैच 2022-24 के तो उसमें जो जो आपकी फुल फॉर्म पूछी गई थी उनको यहाँ पर दोस्तों आपको बताया जाएगा और ये फुल फॉर्म आपके जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होने वाले हैं इनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं तो जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पर जुड़े हुए हैं अपने सभी मित्रों तक वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा तो बात कर लेते हैं दोस्तों फुल फॉर्म्स की पहली फुल फॉर्म आपके सामने दी गई है आई सी आई डी एच इसको हम लोग क्या कहते हैं कहते हैं इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट्स डिसबिलिटीज एंड हैंडीकैप्स तो ये आपका आई सी आई डी एच की फुल फॉर्म है नेक्स्ट आपकी क्या है ई सी सी सॉरी ई सी ई सी यहाँ पर दिया गया है ई सी सी नहीं दिया गया है ई सी सी होता तो भैया आप लोग कुछ और लिखते लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया था ई सी ई सी तो अगर हम बात करते हैं इसी इसी की तो कहेंगे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर और अगर ये भैया पूछ देता ई सी सी ई तो हम लोग लिख देते भैया अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बस इसको थोड़ा सा चेंज करना था नेक्स्ट है आपका आई सी सॉरी ए आई डी डी तो हम कहेंगे अमेरिकन एसोसिएशन ऑन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसबिलिटीज ये आपका इंपॉर्टेंट है भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी जितनी भी फुल फॉर्म आपकी हैं यहाँ पर बताई जा रही हैं वो सभी की सभी आपकी इंपॉर्टेंट ही हैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए एग्जाम की फॉर स्पेशल एजुकेशन लगभग वहाँ पर आपको चौदह के का परिवार देखने को मिल जाएगा आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं यू एन सी आर पी डी यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वर्जन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसबलिटीज यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल आपका चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड या आपका यूनिसेफ नेक्स्ट आपका आई डी डी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसबिलिटीज ये भी आपसे पूछा गया था नेक्स्ट आपका आई सी डी टेन इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज या टेन भी लिख करके आप छोड़ सकते हो ए डी यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एस एच एस यानि कि स्कूल हेल्थ सर्विसेस ए डी एच डी डिफिजिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर नेक्स्ट बात करते हैं एस एल डी यानी कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसबिलिटीज़ एन आर टी यानी कि नॉर्म रिफरेंस टेस्टिंग और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सी आर टी रिफरेंस टेस्ट इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी की सभी फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है आई एस ए एनि कि इंटरनेशनल स्केल सॉरी इंडियन स्केल फॉर असिसमेंट ऑफ ऑटिज्म इंडियन स्केल ऑफ सॉरी इंडियन स्केल फॉर असिमेंट ऑफ ऑटिज्म माफ़ कीजिएगा भैया एम आई ये भी आपसे पूछा गया था मल्टीपल इंटेलिजेंस कहोगे किसने तो कहोगे सर गार्डनर जी का नाम आता है गार्डनर जी का नाम आता है आई क्यू का अगर आपसे पूछ दे फॉर्मूला तो आप बताओगे एम ए अपान सी ए गुणे में सौ और यही आपसे फॉर्मूला ही पूछा गया था लेकिन अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं इंट, इंटेलिजेंस क्यूसन तो हम कहेंगे मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु क्या कहेंगे मानसिक आयु बच बट, बटे में आपका क्रोनोलॉजिकल यानी कि तैथिक या वास्तविक आयु भी कह सकते हैं वास्तविक आयु और गुणे में सौ इसको हम लोग आई को क्या बोलते हैं तो कहोगे सर इसको हम लोग बोलते हैं बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि, डी एस टी यानी कि डिसलेक्सिया स्क्रीन टेस्ट जेड पी डी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जेड पी डी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भैया किसने कहा था जो जेड पी डी के बारे में और पानी ढांचा के बारे में किसने बताया था कमेंट सेक्शन में बता दीजिए अपगर ये भैया बहुत दिनों बाद ये पूछा गया था अपेरेंस पल्स आपका जर्मेनिक एक्टिविटी एंड रिस्परेशन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट ग्लैड इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइए ग्रेड लेवल असमेंट डिवाइस पी ई आर और डैश करके आर था ठीक है तो इसको साइको एजुकेशनल प्रोफाइल रिवाइज इसके बाद में आ, आपका आ जाएगा आई ए डी एल इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग एफ ए सी पी एम डी पी एस और एक आपका क्या बी एस आई सी बेसिक एम आर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों एफ एस और आपका बेसिक एम आर तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक एमआर जब भी आपसे पूछेगा तो कहेंगे बिहेवियरल असिस्मेंट स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन विद मेंटल ई एस डी एम अर्ली स्टार्ट डेनवर मॉडल पी वी आई एस पॉजिटिव बिहेवियरल इंटरवेंशन एंड सपोर्ट आपका टेक की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी गई थी ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑफ ऑटिस्टिक एंड रिलेटेड कम्युनिकेशन हैंडीकैप चिल्ड्रेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ए इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस और सी यानी कि कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेलुएशन बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आप लोगों ने वीडियो को वॉच किया और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा चैनल पर पहली बार थे सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा धन्यवाद